प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब के दौरे के बाद भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच दोस्ती का नया दौर जो है वो शुरू हो गया है, जो काफी अच्छा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने किंग सलमान क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के मसले और निवेश के हिसाब से पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम रहा। रियाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए नए रास्ते ढूंढना जरूरी है। सऊदी अरब से भारत का नाता काफी पुराना है। हमारा सऊदी अरब से नाता हजारों वर्ष का है। ऐसी दोस्ती रही है जैसे आप कहते हैं सदाखतकुम, कि एक दूसरे के वहां हमें अपनापन लगता है। हमारे ऐतिहासिक संबंधों और संपर्कों ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बुनियाद भी रखी है। क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना करके अपने संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की है। सऊदी अरब के बहुचर्चित वैश्विक वित्तीय सम्मेलन में 15 अरब डॉलर से ज्यादा के 23 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य देशों के नेता शिरकत करने पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने कई राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात भी की। बिजनेस फ्रेंडली सरकार देने के वादे के साथ पीएम मोदी ने कहा कि एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देना जरूरी है। हम बिजनेस फ्रेंडली सरकार के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे कई स्टार्टअप वैश्विक स्तर के हो गए हैं। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत के टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में भी स्टार्टअप्स उभर करके आए हैं। भारत में 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे कई स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर निवेश करने लगे। पीएम मोदी ने कहा कि हर ग्लोबल रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन बेहतर है। भारत की बढ़ती इकोनॉमी के लिए ऊर्जा में निवेश बहुत जरूरी है। भारत का सऊदी अरब से पुराना नाता रहा है और पीएम मोदी के सऊदी अरब की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। आदनाइन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।